नमस्कार। एसटेट 2019 का पीआरटी लेवल का ये पेपर है और जनरल स्टडीज़ के जो क्वेश्चंस हैं 30 क्वेश्चंस हैं। आइए जल्दी जल्दी सिर्फ आंसर बता रहे हैं। अगर उनमें आपको कहीं समस्या आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, फिर हम उनको डिस्कस कर लेंगे। आइए देखते हैं आंसर्स क्या क्या आंसर्स होंगे। जो 61 का है इसका आंसर रहेगा 4। फिर इसके बाद आते हैं 62 का आंसर रहेगा ये 2, यानी 3 ऑप्शन राइट होगा। फिर इसके बाद आते हैं 63 का जो रिलेशन बनेगा वो माता है। 64 है वो बनेगा दक्षिण पश्चिम। फिर आते हैं 65 का ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा 5.5/8। और फिर 66 का करेक्ट आंसर रहेगा FSPT यानी 1 ऑप्शन। फिर 67 का ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा OTW रहेगा। फिर आते हैं 68 का रहेगा आपका 23 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर उसके बाद आते हैं 69 का 4 रहेगा। और फिर आते हैं 70 का राइट आंसर रहेगा आपका 25 वर्ष। फिर जो 71 का है, 71 का राइट आंसर रहेगा 22 बार ही होती हैं 12। ये यहाँ पे थोड़ी सी एक कन्फ्यूजन ये भी है, घड़ी की दोनों सुइयाँ एक दिन में कितनी बार एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी। अगर ये दिन 12 घंटे का माने तो ये 11 बार करती हैं, और 24 घंटे का माने तो 22 बार। तो मुझे लगता है कि 22 ही करेक्ट माना जाएगा। उसके बाद आते हैं जो 72 का क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर रहेगा 3। फिर आते हैं 73 का राइट आंसर रहेगा 1, यानी ये वाला। और फिर आते हैं 74 का आंसर रहेगा बुआ, जो रिलेशन बनेगा वो 74। के बाद आते हैं 75 का राइट आंसर रहेगा नंबर 3। 76 का करेक्ट आंसर है वो 3600 रुपये बनेगा, 3600 रुपये ये वाला 2। और फिर आते हैं 77 का राइट आंसर रहेगा 4, यानी 9 होगा करेक्ट, इसका मान निकलेगा वो 9 निकलेगा 77 का। फिर आते हैं 78 का राइट आंसर 56 मीटर है, ये करेक्ट है इसका। और फिर आते हैं 79 का करेक्ट रहेगा 4, यानी बांसुरी। और फिर आते हैं 80 है क्वेश्चन बनेगा लिफाफा, करेक्ट आंसर रहेगा 2। फिर आते हैं साहिबी नदी निम्न में किस जिले में नहीं बहती, तो रोहतक में नहीं बहती, बाकी तीनों में आती है। हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? राव बीरेंद्र सिंह थे भाई। सबसे पहले कुछ लोग सोचेंगे कि देवीलाल होंगे, नहीं, वीरेंद्र सिंह थे। प्रसिद्ध गजल गायिका जोहरा बाई कहाँ से थी? ये अम्बाला से थी। फिर इसके बाद आते हैं सुल्तानपुर नेशनल पार्क के बारे में कौन से विचार सही हैं? 91 में राष्ट्रीय उद्यान के रूप में, हाँ ये सही है, और प्रवासी पक्षियों के लिए है, यानी दोनों ही बात सत्य हैं, दोनों यानी ऑप्शन 4 सही है। उसके बाद आते हैं तिरुपति बालाजी मंदिर हरियाणा में बनाया गया है या कुरुक्षेत्र में बनाया गया है? नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ अवस्थित है? ये रिवाड़ी में है। और सुमेलित करना है, शेख चिली का मकबरा है वो थानेसर में ही है, ये ठीक है। गुजरी का महल हिसार में ही है, ठीक है। इब्राहिम लोदी का पानीपत में ही है। शीश महल फरुखनगर में ही है। तो ये तो सारे ठीक हो गए। सारे ठीक का मतलब हमारा तीसरा ऑप्शन है वो सही है। इसके बाद आते हैं हम हरियाणा साहित्य अकादमी की पत्रिका है वो हरी गंदा है, और निवासी है तिलियार झील है वो रोहतक में है, दिल्ली रोड पे। और हरियाणा की 13वीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? कुंवर पाल गुज्जर थे, और अब ज्ञानचंद शर्मा है। अगर इन क्वेश्चंस में जो जनरल स्टडीज़ हैं इनमें आपको अगर कोई समस्या आती है या कोई दूसरा ऑप्शन निकल के आ रहा है आपके दिमाग में, या कोई किसी के दो ऑप्शन ठीक हैं, तो कृपया कमेंट बॉक्स में डालें ताकि हम अच्छी तरह डिस्कस कर सकें। थैंक यू।